নলবাৰীর 136 নং CRPF বাহিনীর বিশেষ উদ্যোগ। সরকারি বিদ্যালয় এখনক আটক ধুনিয়া রূপত সজাই পড়াই তুলিবলৈ প্রয়াস করেছে CRPF বাহিনীয়ে। বাহিনীটির উদ্যোগত নরূপত সজাই পড়াই তোলা হয়েছে এখন বিদ্যালয়। সরকারি খণ্ড নলবাৰীৰ কাশিমপুৰত থকা প্ৰতাপ নারায়ণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন CRPF বাহিনীৰ উদ্যোগত আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পড়াই তোলা হৈছে। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় বিদ্যালয় গৃহটো। এই কাৰ্যসূচীত 136 নং বেটেলিয়ান CRPFৰ ভালে সংখ্যক সদস্য আৰু শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে কমাণ্ডেণ্ট শ্ৰী ৰবি কুমাৰ আৰু ডেপুটি কমাণ্ডেণ্ট শ্ৰী দেৱযানী দেৱী, এছিষ্টেণ্ট কমাণ্ডেণ্ট শ্ৰী চি বি তিৱাৰীকে আদি কৰি অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজ। CRPF বাহিনীটোৰ এই পদক্ষেপক সকলোৱে শলাগ লৈছে। মন অভিভূত হৈ গ'ল, বহুত আচ্ছা লাগা। বচ্চোনে ইয়াকে গাঁও বালোনে ইতনা প্ৰেম দিয়া কি মন মে খুশি কি ঢেৰ সাৰি লহৰে উঠ ৰহি হে, বহুত আচ্ছা লাগা। हाँ, ये स्कूल आप लोगों ने ये यहाँ पर करा है, लेकिन और कोई प्लेन है क्या? हाँ, ये स्कूल का जो रिनोवेशन और क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन का काम था, ये हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आता है, जिसके तहत हमें कुछ बजट आवंटित किया जाता है। उसी बजट को इस्तेमाल करते हुए हमने ये कंस्ट्रक्शन का काम कराया है। और जैसा कि यहाँ बातचीत के क्रम में प्रिंसिपल महोदय ने व स्कूल के टीचरों ने बताया है कि स्कूल की बाउंड्री व स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड बनाने का इन्होंने अनुरोध किया है। अगली बार जब भी हमें कुछ बजट अलॉट होगा तो हम उस कंस्ट्रक्शन के काम को पूरा करवाएं। इसको कितने बजट थे? इस बार अभी 1,60,000 रुपये का बजट था हमारे पास। पहले आप लोगों को बहुत सारे स्कूल में रिनोवेशन किया देखा गया था। हाँ, लेकिन इसके बाद स्कूल के बाद किस स्कूल में? और अभी हमें दरांग में दो स्कूल हैं, उसमें हमें मिला है। अपूर्वा कुची एक जगह है, यहाँ हरी कुची, वहाँ दो कंस्ट्रक्शन का काम है, वो हम अभी करवाएँ। कितने बजट में होगा वो? उनका बजट हर जगह का बजट करीब लगभग बराबर ही होता है, वहाँ भी 1,60,000 रुपये का ही बजट। ठीक, নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।